जबलपुर में एक तरफ मध्य प्रदेश शासन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लॉकडाउन लगा दिया है, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैनात है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन एक स्कूल जो सरकार को ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है, स्कूल का नाम है मध्य प्रदेश सरकार को ठेंगा दिखा रहा है। प्रैक्टिकल के नाम पर बच्चों को इकट्ठा किया जा रहा है, तो वही यह सभी नजारा झुंड में ही दिखाई दे रहा है, चाहे जनप्रतिनिधि की बात हो चाहे आसपास के अन्य उनके क्रियाकलापों की बात, ना ही यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ नियमों का तो माहौल बढ़ाया ही जा रहा है। जिस प्रकार आप सब जान रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से प्रशासन ने जो लॉकडाउन लगाया हुआ है 3 दिनों का, एक तरफ देखा जाए तो पुलिस बहुत ज़्यादा ही सख्ती कर रही है इसमें कि भाई चैन टूटे, मगर एक तरफ आप देखेंगे कि लिटिल किंगडम स्कूल है जो, उन्होंने पूरा प्रशासन को ठेंगा दिखा के रखा हुआ है, कोई पालन नहीं हो रहा, बच्चे गले पे गले हाथ डाल के घूम रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही आप कभी उनके हाथों में सैनिटाइज़र का उपयोग देखेंगे। हम पास में ही रहते हैं स्कूल के और हम लोग ये रोज़ाना देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल के नाम पे लिटिल किंगडम स्कूल बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रशासन को ठेंगा दिखा रहा है, इसके बाद बावजूद भी मतलब उनको भविष्य के बच्चों को भविष्य की कोई चिंता नहीं है।